ओके जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जनाब, स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस 2022। पेपर नंबर अपना 16 हो गया है, SCM पेपर नंबर 16। और फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कल इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड GIT। ये दो चैप्टर हैं, छोटे छोटे ही चैप्टर हैं दोनों के दोनों। सो सब बच्चे कॉपी में हेडिंग लिख लीजिएगा, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फटाफट से, और पॉइंट नंबर वन से लिखना स्टार्ट करिएगा। पॉइंट नंबर वन में लिखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या ऐसी चीज है जो अभी हमें नहीं आती है, इस चैप्टर को पढ़ने पे आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, आइए बच्चों, इसमें लिखेंगे टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस या जॉब या बैच या वर्क एटसेट्रा, या वर्क डन एटसेट्रा। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे बच्चों कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बना के कस्टमर को देंगे, तो कस्टमर को देंगे तो उसको काम करने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या सर्विस देने की टोटल कॉस्ट कितने रुपए है, ये इस चैप्टर का थीम रहेगा। हर सवाल में टोटल कॉस्ट निकालनी है। जैसे इंटरमीडिएट में जॉब कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर होता था जिसमें कॉस्ट शीट बनाई जाती थी और कस्टमर के लिए टोटल कॉस्ट निकाली जाती थी, इस चैप्टर में भी टोटल कॉस्ट ही निकालनी है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग्स का एडवांस वर्जन है ABC कॉस्टिंग। ठीक है, कैसे एडवांस वर्जन है जरा देखिएगा। इसी के नीचे एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम। क्या बनाएंगे कि देखो, ये है हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर हम खूब टाइप्स की काम करते हैं कस्टमर्स के लिए। क्या क्या काम करते हैं, तो मैंने लिखा यहां पे डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी। क्या क्या एक्टिविटी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे मटेरियल हैंडलिंग, जैसे मशीनिंग रिलेटेड वर्क, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क एटसेट्रा, ऐसे करके हम खूब सारे काम करते हैं। अब बिजनेस के अंदर होता क्या है कि जो भी कस्टमर आएगा, मैं एक छोटा सा कस्टमर का यहां पे डायग्राम बना देता हूं। ये है हमारा कस्टमर, कस्टमर ये कस्टमर हमारे बिजनेस में रिसेप्शन के ऊपर आएगा। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन एरिया हमारे बिजनेस में रिसेप्शन एरिया पे आएगा और अपना ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। डायग्राम कॉपी में अच्छे से बना लेना। और फिर इसका हम क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे काम शुरू कर देंगे, इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। जैसे ही काम फिनिश होगा, जैसे ही काम फिनिश हो जाएगा, तो हम कस्टमर का टोटल कॉस्ट निकाल के देंगे। फिनिश वाला छोड़ देना, यहीं पे अपन लिख देना कि कस्टमर का बनाएंगे बिल। और कस्टमर का जो बिल बनेगा बच्चों, वो बिल कैसे बनता था, इंटरमीडिएट में हम बिल बनाने के लिए कॉस्ट शीट बनाते थे।
जिसमें सबसे पहले लिखते थे डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखते थे डायरेक्ट लेबर, फिर लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब ये आती थी हमारी प्राइम कॉस्ट। याद आया कुछ? कस्टमर के काम करने की प्राइम कॉस्ट। फिर अपन इसमें जोड़ते थे बच्चों ओवरहेड्स, फैक्ट्री के, ऑफिस के, शोरूम के, ऐसे ही जोड़ते थे ओवरहेड्स, अलग अलग ओवरहेड्स जोड़ते थे, और ये निकाल देते थे क्या, कस्टमर की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाल देते थे। फटाफट से ये डायग्राम कॉपी में बनाइएगा, फिर इसका सीक्वेंस करते हैं। हमको इस चैप्टर में टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल हम इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन करने जाएंगे। देर आर 9 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, 9 क्वेश्चन का आंसर इन दिस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर एक पे क्या हुआ है, नंबर ए पे कस्टमर आया है, नंबर बी पे वो रिसेप्शन एरिया में आया, नंबर सी पे हमने उससे ऑर्डर रिसीव किया। अब मैं नंबर डी पे पहले एक बार लिख लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा नंबर डी पे क्या काम करना पड़ेगा। पहले मेरे को फटाफट बताओ, यहां तक लिख लिया क्या? बोलो जी, बोलो, यहां तक लिखो फटाफट से। सिद्धांत, गुड मॉर्निंग, मोनिका ने लिख लिया है, विदित ने लिख लिया है, अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं आप लोग अगर आपकी वॉइस मधुर है। आराम से लिख लीजिए सिद्धांत बाबू। हर चैप्टर में लगभग 15-20 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, मतलब हर चैप्टर के पांच सात पेज लिखे जाएंगे। ठीक है, तो एक छोट बढ़िया सी कॉपी लगा लेना अलग से, उसमें सारी चीजें लिखनी है। ओके बच्चों, पहला सवाल, और पहला सवाल का जवाब सही होना चाहिए भाई, क्योंकि बैच शुरू कर दिया अपन ने। सब बच्चे बताओ, अगर हमारी फर्नीचर की दुकान है बच्चों, हम फर्नीचर बना के बेचते हैं यहां पे, तो कस्टमर आया, उसको अपना कस्टमाइज फर्नीचर बनवाना है, तो नंबर ए पे कस्टमर आएगा, ये बात तो सही है, नंबर ए पे रिसेप्शन एरिया में आएगा। बी पे वो अपना बेड बनवाने की साइज, बेड में कौन सा वाला लकड़ी लगानी है, कौन से वाले कील चोबे लगाने हैं, ये बातें बताएगा। डन। फिर मेरे को बताओ बच्चों, जैसे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा, जैसे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा, आप लोग मुझे बताइए, कस्टमर जो प्राइस पूछेगा कि भाई साहब बेड कितने रुपए में बनेगा, वो काम फिनिश होने के बाद पूछेगा या जब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया है उसी समय प्राइस पूछेगा? बताओ डी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, प्राइस पहले पूछेगा या काम उसका बेड या उसका फर्नीचर बनने के बाद पूछेगा प्राइस क्या लोगे? सर पहले पूछेगा। इसका मतलब ये हो गया, कस्टमर का ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलते ही कस्टमर पूछेगा इसका कितना रुपया लोगे, तो अपने को डी पॉइंट पे बिल बनाना पड़ेगा। डी पॉइंट पे बिल बनाना पड़ेगा, बिल पहले बनाना पड़ेगा, फिर अपन ई पॉइंट पे काम शुरू करेंगे इसके ऊपर, और फिर बच्चों इस काम को मैन्युफैक्चरिंग करके अपन फिनिश गुड्स बना देंगे, फिनिश गुड्स बना देंगे। तो हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे FZ बना दिया, हमने फिनिश गुड्स बना दिया, ई एफ पॉइंट पे ये आ गया हमारा। अब बच्चों दो बातें और बताओ बस, ABC कॉस्टिंग का चैप्टर का बेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सब बच्चे बताओ, अगर मुझे फर्नीचर का एक बेड बनवाना था, बेड बनवाना था, तो बेड बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लकड़ी कितनी लगेगी, दो तीन वर्कर लगेंगे, उसका डिजाइन चार्जेस वगैरह लगेंगे, क्या ये खर्चा जो डायरेक्ट डायरेक्ट वाला खर्चा है, डायरेक्ट कॉस्ट वाला खर्चा है, मतलब कहने का प्राइम कॉस्ट है, क्या ये हैंड टू हैंड पता की जा सकती है क्या?
कि बेड बनने में कितनी लकड़ी लगेगी, कितने रुपए की लकड़ी लगेगी, कितने रुपए के फेविकोल लगेगा, कितने रुपए का कील चौबे लगेंगे, क्या ये बात हैंड टू हैंड पता की जा सकती है? आंसर इज यस, ये वाली कॉस्ट हैंड टू हैंड पता की जा सकती है कि एक बेड बनाने में कितनी लकड़ी, कितने वर्कर लगेंगे, एकदम पता की जा सकती है। तो दूसरा सवाल ये है, अगर हैंड टू हैंड पता की जा सकती है तो मेरे को बताओ कस्टमर के बिल में प्राइम कॉस्ट जो है वो एक्चुअल मतलब जितनी लगी उतनी ही कस्टमर के बिल में जोड़ी जाएगी या एस्टीमेटेड बेसिस लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है? एक्चुअल लगे या एस्टीमेटेड ले? तो सर ये लेंगे हम एक्चुअल, एक्चुअल लेंगे सर। वेरी गुड बच्चों, एक्चुअल लेंगे, प्राइम कॉस्ट तो हम लेंगे एक्चुअल, जितना उसका काम करने में लगेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट पता की जा सकती है, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की इंस्टेंट कॉस्ट पता की जा सकती है। लेकिन बच्चों मेरे को बताओ, जब ये बेड बनेगा तो लकड़ियां उठा के रखनी पड़ेंगी फैक्ट्री के अंदर, दो लोग है ना लकड़ियां उठा के काटेंगे उसको, है ना, फिर दो लोग मशीनों पे काम करेंगे, फिर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो मशीन को चलाने का काम करेंगे। मेरे को बताओ बच्चों, क्या कॉस्टिंग में इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं क्या? ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते, क्या इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं कॉस्टिंग में? आंसर इज यस, इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। वेरी गुड रिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम बच्चों ओवरहेड्स होता है क्या? यस और नो, ओवरहेड्स होता है क्या? यस सर। सर ये यस इस चैप्टर में बच्चों ये जो एस्टीमेटेड बेसिस पे ओवरहेड को अब्सोर्ब करना है, तो डायग्राम ये बना लीजिएगा, ओवरहेड्स अब्सोर्ब्ड, अब्सोर्ब्ड का मतलब होता है कस्टमर के बिल में जोड़ना, कस्टमर से कॉस्ट रिकवर करना, ओवरहेड अब्सोर्ब्ड ऑन एस्टीमेटेड बेसिस, एस्टीमेटेड बेसिस, ओवरहेड इज अब्सोर्ब्ड ऑन एस्टीमेटेड बेसिस। अब दो बातें और पूछूंगा आपसे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाएंगे बच्चों। मेरे को बताओ इंटरमीडिएट में जॉब कॉस्टिंग जब हम पढ़ते थे तो क्या हम ये अजम्पशन लगाते थे क्या कि जितने घंटे वर्कर काम करेगा उतने ही घंटे मशीन काम करेगी? ऐसी कोई अजम्पशन पढ़ी आपने किसी चैप्टर में? बहुत बार पढ़ी होगी, यस और नो भावना ने पढ़ी होगी। यस सर, ओवरहेड चैप्टर में पढ़ी है, जॉब कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ी है अपन ने, है ना, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ी है अपन ने। मेरे को बताओ बच्चों, क्या ये अजम्पशन हर इंडस्ट्री में लग सकती है क्या? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसी की बात करूं कि मुझे बेड बनवाना है, तो मेरे को बताओ बेड बनवाने में तो चार पांच काम करने पड़ेंगे, चार पांच काम करने पड़ेंगे, तो क्या इन सब का बेस, इन सब खर्चों के ऊपर एक जैसी अजम्पशन लग सकती है क्या? आंसर इज नो, एक जैसी अजम्पशन नहीं लग सकती। मतलब जॉब कॉस्टिंग में जो हम काम करते थे वो पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से 100% ट्रू एंड फेयर एंड राइट नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी कि वो सारे खर्चों का बेस लेवल मशीन आर बेस मानते थे। लेकिन हमने कहा क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो कस्टमर का बिल बनेगा वो आरली बेसिस पे नहीं बनेगा, वो एक्टिविटी बेसिस पे बनेगा। एक्टिविटी बेसिस मतलब, एक्टिविटी बेसिस का मतलब ये है, मेरे को बताओ अगर इस कस्टमर का बेड बनाने में टोटल हमारे यहाँ पे तीन काम होते हैं बेड बनाने में, है ना, टोटल तीन काम होते हैं, लेकिन इस बंदे का बेड बनाने में सिर्फ दो ही काम हुए, मेटेरियल हैंडलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ ओवरहेड जो है वो दो ही जुड़ने चाहिए ना इस कस्टमर के बिल में, या तीनों ओवरहेड जुड़ने चाहिए? क्या ख्याल है? अगर इस कस्टमर के लिए काम ही दो किए गए हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर, तो मेरे को बताओ क्या इस कस्टमर के बिल में दो कामों के पैसे ही कस्टमर के बिल में रिकवर होने चाहिए, या तीन के तीन कामों का पैसा जोड़ दें हम? सर अगर जितने काम कस्टमर के लिए हुए हैं उतने ही काम का पैसा कस्टमर से लिया जाना चाहिए। इस बात को और सिंपल शब्दों में समझो,
इस बात को और सिंपल शब्दों में समझो, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं बच्चों, बाइक की सर्विस कराने जाते हैं आप लोग, यस सर, तो बाइक की सर्विस कराने जाते हैं तो आप एज ए कस्टमर रिसेप्शन पे गए, आपने बोला ये मेरी बाइक में तेल डालना है, मेरी बाइक में टायर डालना है, मेरी बाइक में ब्रेक का लेदर डालना है, आपने ऑर्डर दिया, आपको बिल पहले ही एस्टिमेटेड बिल पहले ही पकड़ा दिया जाता है। मेरे को बताओ बच्चों, अगर आप अगर कस्टमर कहे मेरे को वॉशिंग करवानी ही नहीं, मेरे को साफ सफाई नहीं करवानी, मेरी गाड़ी प्रॉपर साफ है, और यहाँ पे वॉशिंग का खर्चा भी है, रिपेयरिंग का खर्चा भी है, ब्रेक का खर्चा भी है ना, और ऑयलिंग का खर्चा भी है, आप कस्टमर कह रहे हैं कि भैया मुझे वॉशिंग करानी ही नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ आपकी कस्टमर के बिल में क्या ये खर्चों का ही तो पैसा जोड़ा जाएगा ओवरहेड में, या इन सारे खर्चों का पैसा जोड़ दें, क्या ख्याल है, सारे जोड़े या फिर कस्टमर ने जितने एक्टिविटी करवाई है, कहने का मतलब एक ही बेस रखें या एक्टिविटी वाइज बेस रखें, आंसर इज एक्टिविटी वाइज बेस रखें, कस्टमर के लिए जितना काम किया गया है बस उतना ही पैसा जोड़ना है। बताओ बच्चों, जॉब कॉस्टिंग जो पढ़ते थे, जॉब कॉस्टिंग जो हम पढ़ा करते थे, उसके अंदर क्या हम पूरी फैक्ट्री के खर्चे लेते थे ना, पूरे ऑफिस के खर्चे कस्टमर के बिल में जोड़ देते थे, एक ही बेस मान के कि जितने घंटे लेबर काम करी है फैक्ट्री के खर्चे डिवाइड कर दो लेबर आर से, 1 घंटे का फैक्ट्री का खर्चा आ जाएगा, सबके कस्टमर के बिल में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो। तो मेरे को बताओ, जॉब कॉस्टिंग थी वो पूरे खर्चों का एक ही बेस मानती थी, एक ही बेस, लेबर आर्स बेस, जितने घंटे मशीन उतने घंटे लेबर, लेकिन एक्टिविटी बेस क्या कहती है कि आप फैक्ट्री ओवरहेड तो बोलो ही मत इधर, फैक्ट्री ओवरहेड में देखो क्या क्या काम होते हैं, फैक्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी एक्टिविटी किस कस्टमर के लिए की गई है, बस उतनी ही एक्टिविटी का पैसा कस्टमर के बिल में जोड़ो, सारी एक्टिविटी का पैसा कस्टमर के बिल में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, विच वन इज मोर करेक्ट अप्रोच, जॉब कॉस्टिंग इज ए करेक्ट अप्रोच और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर करेक्ट अप्रोच, क्या ख्याल है सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ए मोर करेक्ट अप्रोच, बिकॉज ये हर हर खर्चे को अलग अलग डिफाइन करती है, और जितने काम कस्टमर के लिए हुए हैं उतने ही कामों का कस्टमर से पैसा वसूल किया जाता है, यस और नो, वेरी गुड, तो पॉइंट नंबर हमारा एक यहां पे पूरा हो गया है, ऑब्जेक्टिव, समझ में आया बच्चों यहां तक ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर टू की तरफ चल सकते हैं क्या, यस सर, तो लिखो बच्चों पॉइंट नंबर टू, लिखो आराम से पॉइंट नंबर टू लिखना, एबीसी टेक्निक डेवलप्ड इन यूएसए, ये अंग्रेजों के काम है भाई, यूएसए वालों की, ड्यूरिंग 1970-80 के आसपास, ये आता है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एबीसी कॉस्टिंग आई कब, 1970-80 के आसपास, तो सर जॉब कॉस्टिंग कब आई, जॉब कॉस्टिंग कब पैदा हुई थी, इंटर वाली जो कॉस्टशीट थी, मैंने कहा बच्चों उसकी डेट ऑफ बर्थ है ना उसके माता पिता ने नोट डाउन नहीं करी कि कौन से साल में आई थी, मतलब ये जॉब कॉस्टिंग अपना बर्थडे नहीं बना सकती कभी, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि ये पैदा कब हुई थी, हालांकि जब से पढ़ाई जब से कॉस्टिंग स्टार्ट हुई है, आप सोचो इससे पहले की कोई डेट 100, 200, 400, 500 साल पहले जब अकाउंटिंग बनी थी, हालांकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बनी थी 1496 में, लुका पैसोली नाम का आदमी था, तब से अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में आई थी, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद गैप आए, गैप के बाद इंडिया वालों ने अपने खुद के एएस बनाए, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग इन्हीं को पढ़ के अपन के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, ये भी अपन फाइनल में पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ के आए हैं, तो जॉब कॉस्टिंग की ऐसी कोई ऐसा डेट नहीं है कि कब बनी थी, अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना कि एबीसी कॉस्टिंग जो है वो 1970-80 के पास आई थी, तो ये नई अप्रोच है, पुरानी अप्रोच जॉब कॉस्टिंग, इससे पुरानी है जॉब कॉस्टिंग और नई नई है वो है एबीसी कॉस्टिंग, पॉइंट नंबर दो के बाद लिखेंगे आप लोग पॉइंट नंबर तीन, पॉइंट नंबर तीन
पॉइंट नंबर तीन में लिखेंगे, वी नो दैट इन कॉस्ट अकाउंटिंग डायरेक्ट कॉस्ट जो कि वेरिएबल नेचर की होती है इज चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन एक्चुअल बेसिस। डायरेक्ट कॉस्ट तो कस्टमर से जो ली जाएगी वो एक्चुअल बेसिस पे ली जाएगी, मतलब जितना खर्चा हुआ है कस्टमर के बिल में उतना ही जोड़ा जाएगा। व्हेयरएज इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका नाम ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स है, और ये ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओवरहेड्स चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन एस्टीमेटेड बेसिस। ओवरहेड है वो एस्टीमेटेड बेसिस पे चार्ज किए जाएंगे। पॉइंट नंबर तीन के बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर चार, लिखेंगे बिफोर 1970-80, 1970-80 से पहले पहले क्या होता था, वी फॉलोड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, दैट इज कॉस्ट शीट वाला जो चैप्टर हम इंटर में पढ़ के आए हैं वो फॉलो होता था, वो टेक्निक फॉलो होती थी। कॉस्ट शीट वाला चैप्टर जो सीएमए इंटर में पढ़ के आए हैं, इसमें क्या करते थे हम, कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में हम ऐसा करते थे, सबसे पहले हम कंपनी का डेटा एनालाइज करते थे, एनालिसिस करते थे। इसका मतलब हम सबसे पहले कॉस्ट शीट कंपनी की बनाते थे, कंपनी की बनाते थे, ध्यान हो तो आपको इंटरमीडिएट में, कॉस्ट शीट कंपनी की बनाते थे। उसके बाद कंप्यूट करते थे ब्लैंकेट रेट, ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है एक रेट, सिंगल रेट, ब्लैंकेट रेट ऑफ ओवरहेड्स, ब्लैंकेट रेट ऑफ ओवरहेड, जैसे एक सिंगल रेट निकालते थे ओवरहेड्स की, जैसे मशीन आर बेसिस पे या लेबर आर बेसिस पे या प्राइम कॉस्ट बेसिस पे, और फिर करते थे अपन, फिर अपन करते थे प्रिपेयर करते थे जॉब कॉस्ट शीट। ये प्रोसेस होती थी जॉब कॉस्टिंग टेक्निक की, ठीक है। लेकिन हमको जॉब कॉस्टिंग तो पढ़नी ही पढ़नी है वापिस से एक बार, इसके अंदर भी दो चार सवाल आएंगे जॉब कॉस्टिंग के, लेकिन साथ ही साथ अपने को
एबीसी कोस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 4 तक लिख लिया हूं तो बताएंगे एक बार, फिर आगे पढ़ेंगे। फटाफट से लिखो यहां तक। लिखा भाई यहां तक सबने? चलिए बच्चों नीचे लिखिएगा, कंपनीज कॉस्ट शीट कैसे बनती थी, क्या इंटर वाला फॉर्मेट याद है? स्टॉक्स की कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे यहां पे, सिंपल सिंपल वाली पूछेंगे आपसे। सबसे पहले लिखा करते थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आती थी हमारी प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। फिर अपन जोड़ा करते थे, ध्यान हो आपको, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ा करते थे, तो निकल के आती थी हमारे पास में फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट फिर हम ऐड करा करते थे, ध्यान हो तो आपको, ऑफिस ओवरहेड्स। तो निकल के आती थी सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम जोड़ा करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो निकल के आती थी टोटल कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम होता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते थे तो कंपनी की निकल आती थी सेल्स। ये फॉर्मेट फॉलो करते थे। तो कुछ कुछ सवालों में तो अभी भी जब जॉब कॉस्टिंग का कंपैरिजन पूछेगा तो भी हम इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे, ठीक है? फिर हम क्या करते थे, ध्यान हो तो आपको, ओवरहेड की कुछ रिकवरी का बेस लिखते थे अपन, ऐसे ऐसे एरो बनाते, ध्यान हो तो। डायरेक्ट लेबर का कनेक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स का कनेक्शन से होता है, इनका कनेक्शन यहां से होता है, इनका कनेक्शन यहां, ऐसे एरो बनाते थे किसका कितना परसेंट। तो उसको बोलते थे अपन रिकवरी रेट या ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड रेट। तो इसी के नीचे लिखेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे। कैसे निकालते थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो बेस लिखते थे, कोई आप में से बता सकता है मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का कनेक्शन किससे होता था? इंटरमीडिएट की बात याद हो तो बताओ जरा। इसका जो बेस लेते थे डिवाइड करके, वो लेते थे लेबर आवर्स, ध्यान हो तो, बेस में लेते थे लेबर आवर, लेबर आवर्स। ठीक है, लेबर आवर्स। इसी प्रकार बच्चों ऑफिस ओवरहेड जो होते थे, ऑफिस ओवरहेड उनका भी बेस होता था
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी एक बेस रखते थे। ऑफिस ओवरहेड का लेते थे बेस डिवाइड बाय, बेस में लेते थे फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका भी जो बेस लिया करते थे हम वो दो लिया करते थे। कभी कभार तो अपन फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस ले लिया करते थे, कभी कभी सीओपी भी लिया ले लिया करते थे। ठीक है, तो जैसे ये डिवाइड करते थे कुछ ना कुछ डिजिट निकलती थी, इसी डिजिट का नाम है ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब सिंगल रेट, कि पूरी फैक्ट्री की एक सिंगल रेट, एक घंटे की सिंगल रेट हम निकाल लिया करते थे। फिर हम कस्टमर का बिल बनाया करते थे, पहले यहां तक लिखो, फिर कस्टमर की कॉस्ट शीट बनाया करते थे। फटाफट से लिखो यहां तक एक बार। लिखा सबने? अब यहां पे बनाइएगा, उसके बाद कस्टमर की, कस्टमर का बिल बनाते थे अपन। कस्टमर का बिल बनाया करते थे। उसमें डायरेक्ट मटेरियल लिखा करते थे, एक्चुअल जितना लगा वो। डायरेक्ट लेबर भी लिखा करते थे एक्चुअल। डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखा करते हैं एक्चुअल। तो कस्टमर के बिल में जो प्राइम कॉस्ट थी वो भी क्या जुड़ती थी? एक्चुअल। लेकिन उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते थे, वो जुड़ते थे रेट के हिसाब से, और ये होते थे बच्चों एस्टीमेटेड। फिर अपन सेलिंग एंड डिस सॉरी ऑफिस ओवरहेड जोड़ते थे, ऑफिस ओवरहेड ये भी एस्टीमेटेड। फिर अपन जोड़ते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी एस्टीमेटेड। और इस प्रकार से हम कस्टमर की निकाल लाते थे टोटल कॉस्ट, फिर कस्टमर से प्रॉफिट का अमाउंट ले लेते थे और कस्टमर को उसके घर भेज दिया करते थे सेल्स करके, सेल प्राइस निकाल के। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाती थी, प्रॉफिट ऐड कर देते थे, सेल, बात खत्म। ऐसे सवाल करते थे हम इंटरमीडिएट में। तो ये काम तो अभी भी करना ही है, ठीक है? मैंने यहां डायरेक्ट तीनों ओवरहेड लिख दिए हैं, मैंने ऐसे फैक्ट्री कॉस्ट सीओपी ऐसा नहीं लिखा। जब अपन एक्चुअल सवाल करेंगे तो लिख के चलेंगे ऐसे ही, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ऑफिस जोड़ के सीओपी आएगी, ऐसा। ये कस्टमर का बिल। तो एबीसी कॉस्टिंग में हम तीन काम कर सॉरी जॉब कॉस्टिंग में हम टोटल तीन काम करते हैं। पहला, कंपनी का डेटा बनाते हैं, नंबर ए पे कंपनी का डेटा बनाते हैं, नंबर बी पे फिर रेट्स निकालते हैं, और नंबर सी पे फिर हम कस्टमर का बिल बना देते हैं। ये है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, एबीसी। लेकिन अब हम एबीसी पढ़ेंगे, ये तो जॉब कॉस्टिंग हो गया। अभी तो इसमें तीन काम करते थे हम। क्या यहां तक बात समझ में आती है सबको? आगे चल सकते हैं थोड़ा सा। बताओ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलो जी बोलो, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? क्या ऐसी चीज है जो इस चैप्टर को डिसाइड करेगी किस तरह से चलेगा चैप्टर? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर? याद है, जब भी बोलूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर क्या है तो आपको ऐसे बोलना है सर कि टोटल कॉस्ट निकालनी है न्यू सिस्टम से, मॉडर्न सिस्टम से।
ठीक है, तो जब भी मैं बार बार पूछूं आपसे तो ऐसे जवाब देना है कि सर टोटल कॉस्ट निकालनी है कस्टमर की, लेकिन पुराने सिस्टम से नहीं, नए सिस्टम से निकालनी है। ओके बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 यहां पे पूरा हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 लिख लिया हो तो आगे बढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। टोटल 7 पॉइंट ही लिखने हैं अपने को इसमें, बस चैप्टर खत्म 7 पॉइंट में, जिसमें से 4 हो गए हैं। पांचवा लिखें बच्चे, लिखो 5 नंबर पॉइंट, लिखो 5 नंबर पॉइंट में लिखना है लिखना, वी कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग सिस्टम या एबीसी सिस्टम। हम टोटल कॉस्ट निकालने की दो टेक्निक हमारे पास हैं, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम और एबीसी सिस्टम। जॉब कॉस्टिंग को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सिस्टम, और एबीसी को बोलेंगे हम मॉडर्न सिस्टम मॉडर्न सिस्टम। तो इसका मतलब एक सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं, पुराने तरीका और नया तरीका। नया तरीके से हो सकता है, इसी के अंदर लिखना इन एबीसी सिस्टम, एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम हो गया ये एक तरह से, क्योंकि सी सी यहां कॉस्टिंग को डिनोट करती है। एबीसी का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इन एबीसी सिस्टम फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड इन एबीसी सिस्टम, फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड। क्या क्या स्टेप है? नंबर ए, कैलकुलेट करिए टोटल ओवरहेड्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले अपनी खुद की कंपनी के ओवरहेड्स पता कर लो, क्योंकि यही ओवरहेड्स कस्टमर लोगों से लेने हैं। नंबर बी, आइडेंटिफाई करो द डिफरेंट्स एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स रिलेटेड टू सच एक्टिविटी। जैसे बच्चों जॉब कॉस्टिंग में क्या करते थे, अपन ओवरहेड को तीन पार्ट में बांटते थे, फैक्ट्री वाले, ऑफिस वाले, शोरूम वाले, और कस्टमर के बिल में भी ऐसे ही जोड़ते थे, फैक्ट्री वाले, ऑफिस वाले, शोरूम वाले। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग बोलती है कि ओवरहेड को ऐसे फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम में मत बांटो, आप ये बांटो कि कितनी एक्टिविटी है फैक्ट्री में, कितनी एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटीज में बांटो उनको। आप उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्ट्री, ऑफिस, शोरूम तीन पार्ट में मत बांटो, उनको अलग अलग एक्टिविटीज के बेसिस बांटो। जैसे फैक्ट्री के अंदर कई सारे काम होते हैं, सामान को उठाने का, प्रोसेसिंग का, साफ सफाई का, है ना, रिपेयर मेंटेनेंस का, तो अलग अलग ओवरहेड अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दो, और फिर पता करो उन एक्टिविटीज से रिलेटेड ओवरहेड कितने हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बांट देंगे हम। फिर मैंने कहा सी पे क्या करना है, फिर बोलता है अब क्या करना है, डिटरमाइन डिटरमाइन करना है कॉस्ट ड्राइवर ऑफ सच एक्टिविटी।
कोस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना। सर ये कोस्ट ड्राइवर क्या होता है? ऐसा फंक्शन या ऐसा काम जो जिसका क्वांटिटी या अमाउंट ज्यादा होने से ओवरहेड का अमाउंट भी ज्यादा हो जाए। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं, एक बार मैं लिख देता हूं। डिटरमाइन कोस्ट ड्राइवर ऑफ सच एक्टिविटी एंड फाइंड कोस्ट पर ड्राइवर। अभी समझाता हूं, सी के बाद लिखना बच्चों डी पॉइंट। सी के बाद लिखना डी पॉइंट। डी में लिखना अप्लाई सच रेट ऑफ कोस्ट ड्राइवर फॉर रिकवरिंग ओवरहेड्स ओवरहेड्स फ्रॉम कस्टमर। फ्रॉम कस्टमर आइए इन चारों स्टेप को समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाना होता है हमें। टेबल में इधर मुझे बनानी है हमारी कंपनी, छोटी सी बना लेता हूं। ध्यान रखना ये डायग्राम इधर से इधर तक जाएगा, इतना बड़ा जाएगा ये। तो सबसे पहले इधर मैंने अपनी छोटी सी कंपनी बनाई, ये है हमारी कंपनी। इस कंपनी में बच्चों बहुत टाइप के काम होते हैं, मशीनों के काम होते हैं, ऑपरेटर लगे रहते हैं है ना, और मशीनें चलती रहती हैं, मटेरियल हैंडलिंग आदमी भी घूमते रहते हैं इसके अंदर, और साफ सफाई का काम भी चलता है, बहुत तरह का काम इसमें चलता है। कौन कौन सा काम चलता है? तो मैंने कहा इन सब को किस में बांट लो, इन सारे कामों को फैक्ट्री को आप, जो हमारी कंपनी है इसको आप फैक्ट्री ऑफिस और में ना बांट के एक्टिविटीज में बांटो। तो मैंने यहाँ लिखा क्या क्या एक्टिविटी है, और एक्टिविटी का दूसरा नाम है कोस्ट पूल। कोस्ट पूल ठीक है, कोस्ट पूल। फिर मैंने कहा ये कोस्ट पूल जो है ये किस पे डिपेंड होंगे, यहां लिखना कोस्ट ड्राइवर। कोस्ट ड्राइवर, और यहां आगे जाके लिखना रेट पर ड्राइवर। ठीक है, तो मैंने कहा देखो हमारी कंपनी में मटेरियल हैंडल होता है, तो मैंने पहला नाम लिखा यहां पे मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, अब ये मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? तो देखो बच्चों, जब सामान को यहां से यहां रखना हो, यहां से यहां रखना हो, या जब भी हमारा ऑर्डर आएगा, जब भी हमारा ऑर्डर कस्टमर का आएगा, तो ऐसा होगा ना कि सामान यहां पड़ा था उसको दूसरी जगह रखना पड़ेगा, उसको आगे लेके आना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। मैंने कहा मटेरियल हैंडलिंग का जो खर्चा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मटेरियल हैंडलिंग कब कम और ज्यादा होगी? तो हमने कहा जब नंबर ऑफ मूवमेंट कम ज्यादा होंगे। तो मैंने यहां पे इसका कोस्ट ड्राइवर लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ मूवमेंट। हमारी फैक्ट्री में जितनी बार भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखा जाएगा उतनी बार पैसे ज्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ मूवमेंट। और दूसरा नाम लिख देना नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल। ठीक है, तो ये कुछ रुपीज आएंगी, ये कुछ क्वांटिटी आएंगी, और इसका यहां पे कुछ डिजिट आ जाएगा। दूसरा बच्चों,
मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, या इसका दूसरा नाम है और करके लिख देना ऑर्डरिंग मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जब जब हमारे यहां पे देखो ऊपर डायग्राम बनवाया था ना मैंने एक स्टार्टिंग में, मैंने कहा जब जब हमारे यहाँ पे कस्टमर्स हमको ऑर्डर देगा तो हमको हमारे बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा बाहर मार्केट से जाके। तो मैंने कहा जितनी बार भी ऑर्डर मिलेंगे उतनी बार ही मार्केट से जा जाके सामान लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतनी बार मार्केट के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे हमको सामान लाने के लिए। तो सामान लाने के खर्चे का कनेक्शन हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, जितने ऑर्डर उतनी बार मार्केट के चक्कर हमको लगाने पड़ेंगे। तो यहीं पे मैंने यहां पे लिख दिया है कॉस्ट एक्टिविटी का नाम तो हो गया मेटेरियल प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदना और मेटेरियल ऑर्डर का मतलब भी होता है खरीदना। अगर प्रोक्यूरमेंट या खरीदना है तो मैंने कहा जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर जितने आएंगे उस हिसाब से ये खर्चा कम ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा जरा चेक करो, सेटअप। मैंने कहा जितनी बार भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप, जितनी बार भी प्रोडक्शन रन करोगे आप, आपको मशीनों को सेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहां पे आप इसका नाम लिखना जितनी बार भी करोगे, तो नंबर ऑफ सेटअप ऑफ मशीन, जितनी बार मशीनों को सेट करोगे उतनी बार का खर्चा आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो जरा, मशीन ओवरहेड्स, मशीनों को चलाने का खर्चा जो बैठेगा। तो मैंने कहा मशीनों को चलाने का खर्चा बैठेगा जितने घंटे मशीन चलाओगे उस हिसाब से। तो नंबर ऑफ मशीन आर्स, जितने घंटे मशीन ज्यादा चलेंगी मशीनों के चलने का खर्चा उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर मशीन खराब भी होंगी, तो मशीन खराब होंगी तो मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट का कनेक्शन भी नंबर ऑफ मशीन आर से, जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा बार खराब होंगी, जितनी ज्यादा बार खराब होंगी उतनी बार आपको ठीक करवाना पड़ेगा। इसका मतलब मेंटेनेंस का खर्चा मशीनों के चलने से कनेक्टेड है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कि कोई सामान सब स्टैंडर्ड का बना हुआ आगे कस्टमर के पास नहीं पहुंच जाए, इसलिए हमने दो तीन आदमी रखेंगे जो सामान को ऐसे सेग्रीगेट करने का काम करेंगे कि कौन सा माल 100% बन गया है, कौन सा माल सब स्टैंडर्ड है, जैसा कस्टमर ने मांगा था वैसा नहीं था। तो उसके लिए हमको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जितनी बार इंस्पेक्शन कराएंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो एक बार इंस्पेक्शन कराओगे तो क्वालिटी, जितनी बार इंस्पेक्शन कराओगे क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा उतनी बार बढ़ता जाएगा। फिर सामान को पैक करके आप कस्टमर के घर पे पहुंचाओगे। तो फिर मैंने कहा भाई देखो पैकिंग नाम की एक एक्टिविटी है, पैकिंग का खर्चा कब होगा, जितनी ज्यादा डिलीवरी करवाओगे कस्टमर के घर पे उतनी बार ज्यादा पैकिंग करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ डिलीवरी, या फिर कोई दूसरा आर्स हो तो पैकिंग आर्स, पैकिंग आर्स। पैकिंग आर्स, तो देखो बच्चों हमने इसको फैक्ट्री ऑफिस शोरूम में नहीं बांटे खर्चे, हमने यहां पे एक्टिविटी बेस पे खर्चे बांट दिए कि जोन सा काम। अब कोई ग्राहक आया, जैसे हमने यहाँ पे चार पांच आइटम लिख दिए, कितने लिख दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 एक्टिविटी लिख दी। हमारे एग्जाम में लगभग हर क्वेश्चन में यही 6 7 8 नाम आते हैं, एक्चुअल जीवन में एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, उसको अभी आप और हम डिस्कस नहीं कर सकते। मान लीजिए सर्विस इंडस्ट्री है तो अलग एक्टिविटी होंगी,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो अलग एक्टिविटी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में फर्नीचर बनाने वाली का के यहाँ पे अलग अलग कामों के अलग अलग नाम है, केमिकल बनाने वालों के यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे अपन एक मतलब एक कॉमन एक्टिविटी पड़ी है जो हर बिजनेस में लगभग लगभग होती है। हमको लगभग हर क्वेश्चन में खुद क्वेश्चन वाला खुद ही बताएगा कि ये एक्टिविटी है और ये उनके कॉस्ट ड्राइवर हैं, आपको रेट खुद निकालनी पड़ेगी। हाँ कई बार वो ऐसा नहीं बताएगा कि भैया कि मेटेरियल हैंडलिंग का ड्राइवर ये ले लो, ये अपने को छांटना पड़ेगा कि कौन सा ड्राइवर कौन सी वाली एक्टिविटी से कनेक्टेड है, ये अपने को कई बार छांटना पड़ेगा। फिर भी इस टेबल को ध्यान रखेंगे तो सवाल करने में थोड़ी आसानी रहेगी। पहले यहां तक लिखिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया हो तो बताएंगे यहां तक मुझे। लिख लिया भाई सबने यहाँ तक? सर हाँ जी बोलो। सर ये जो एबीसी टेक्निक है वो बड़े मैन्युफैक्चरिंग कोस मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें काम आती है या छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम आती है? ये जनरली बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और बड़े भी कितने बड़े, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये मानो जिसमें अलग अलग डिवीजन बने हुए होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, एप्पल का कंपनी का या फिर मारुति सुजुकी कंपनी का या फिर ओडी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप सोचो हाँ उसके अंदर कितने सारे डिवीजन होते होंगे, बहुत सारे बहुत सारे डिवीजन होंगे। वहां पे ये टेक्निक लग सकती है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में काम ही 10-15 लोग करते हैं वहां नहीं लग पाएगी ये, क्योंकि वहां पे आप कैसे पता करोगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आए, कितने मूवमेंट आए, कितने नंबर ऑफ मशीन सेटअप हुए, कितनी बार मशीन चली, कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ। जब इतने लोग काम करने वाले होंगे तभी तो लग पाएगा ये चीजें। तो इसलिए ये बड़े वाले बिजनेस पे लगेगी, छोटे वाले बिजनेस पे नहीं लगेगी। छोटे वाले बिजनेस पे आज भी जॉब कॉस्टिंग ही चलती है। जैसे आप कोई आपके घर के नजदीक कोई कारपेंटर जो खाती वगैरह होते हैं उनसे सामान बनवाते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली आइडिया मार के बोल देते हैं कि एक बेड बनाना है तो भाई साहब 5,000 रुपये की तो लकड़ी आएगी, 3,000 रुपये मेरी मजदूरी के और 1,000-2,000 रुपये मशीनों के, ऐसे करके वो ओरली बता देता है आपको 10,000 रुपये लगेंगे। तो वो ऐसे कोई कॉस्टिंग वोस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इस सिस्टम में फंस जाएगा तो बेचारे का काम ही और मुश्किल हो जाएगा। ओके सर जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, बोश कंपनी है एक जो सर्विसिंग का काम करती है, गाड़ी सर्विस करने का काम करती है, नाम सुना है कभी? ना BOSH करके नाम है उसका शायद, और CMA को ट्रेनिंग भी देती है। तो वो कंपनी कस्टमाइज मॉडिफिकेशन करती है गाड़ियों के, या फिर आपने पंजाब साइड में देखी हो मॉडिफाइड जीप्स देखी हो, बुलेट देखी हो, कार देखी हो, हाँ तो वो जो कस्टमाइज काम होता है, जिस बंदे को अलॉय व्हील लगवाने हैं अपनी गाड़ी में तो उस कस्टमर के बिल में अलॉय व्हील के पैसे जुड़ेंगे, मेरी गाड़ी में मुझे अलॉय व्हील नहीं लगवाने हैं तो मेरी कस्टमर का जब मेरा बिल बनेगा उस कंपनी में जाके, तो अलॉय व्हील के पैसे मेरे वाले बिल में नहीं जुड़ेंगे। मुझे गोल्डन कलर चाहिए तो जितनी गोल्डन कलर कराने में जितनी एक्टिविटी लगी है कस्टमर का बिल उसी हिसाब से बनेगा। तो ये कस्टमाइज काम जहां जहां होता है बड़े सेक्टर के अंदर, वहां वहां आप ABC कॉस्टिंग लगा सकते हैं। ओके जनाब, तो आज की सभा यहीं तक रखते हैं, कल ये चैप्टर का कंसेप्ट पोर्शन खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट पोर्शन इतना ही था, 5, 6 और 7 दो पॉइंट और लिखेंगे और कल ही क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट कर देंगे हम इसके। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। ओके अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन।